मेरे विद्यार्थियों, रीट पेपर आउट को लेकर आज अखबार की सुर्खियां लेते हुए शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का बड़ा बयान आया है कि रिजल्ट को लेकर, और बम्पर नहीं बढ़ती आ रही है। अब दीपावली के बाद बेरोजगारों को बम्पर तोहफा मिलने वाला है। बेरोजगार मिलेंगे प्रियंका गांधी से अगर 21 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती है, तो उपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रियंका गांधी से मिलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले ये आप देख सकते हो, राजस्थान में 29,000 पदों पर होगी भर्तियाँ, जिसमें 8 कैडर की वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व अन्य बढ़ती आए। बेरोजगारों के संघर्ष की ये जीत हुई है। राजस्थान में देख सकते हो 29,000 पदों पर ये बढ़ती आए। कौन कौन से पदों पर आएगी ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगली खबर चलेंगे, कंप्यूटर मिटाई का बेरोजगारी का दाग, इंजीनियरिंग कॉलेजों को मिलेगी संजीवनी। ऐसे मिली कंप्यूटर साइंस को संजीवनी, सूचना सहायक की वैकेंसी, 7,000 पदों पर भर्ती की संभावना जल्दी। कंप्यूटर शिक्षक खुली राहतों अब भर्तियाँ, निजी सेक्टर में भी कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा रीट में नकल नहीं तो बत्तीलाल को क्यों पकड़ा सतीश पूनिया। कल जो जयपुर में हल्ला बोल हुआ था, उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल अब आम बात हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल आम बात हो गई है। कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारों को युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अगर एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, जब आउट नहीं हुआ तो बत्तीलाल को और इनको पकड़ा क्यों। इसके अलावा आप देख सकते हो कि नेटबंदी का सरकार नकल पर रोक लगाने में भी नाकाम रही है। पीके तिवारी सेवानिवृत्त आईपीएस ने कहा है, इंटरनेट बंद होने से नकल नहीं रुक सकी, परीक्षा का तरीका बदलना होगा सरकार को। इसके अलावा कोर्ट में नहीं अटका तो रीट परिणाम 1-1.5 महीने में, ये देख सकते हो आप। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी प्रकार से कोर्ट में अगर ये नहीं रहा है, जयपुर के आज के पत्रिका की बड़ी अपडेट। छात्राओं ने सीएम से कहा कि गांव में सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कल मोहम्मद सिंह के गांव गए थे शोक सभा में, तो शिक्षा मंत्री जी ने हाथों हाथ 1.5 घंटे में क्रमोन्नति आदेश आ गया। इसके अलावा 20 दिन से भटक रहे हैं रीट के अभ्यर्थी, नहीं मिली किसी प्रकार की कोई नियुक्ति, सुभाष गर्ग चिकित्सा मंत्री। राजस्थान में 29,000 पदों पर जो भर्तियाँ हो रही है, उसमें सरकार जनता से किए गए वादे के अनुरूप काम कर रही है। इसके तहत 31,000 शिक्षकों के पद जहां हाल ही में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, अगले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में लगभग 29,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में रोजगार मिले। रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल 4 परीक्षार्थी पकड़े गए। इसके अलावा अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जो पहले 25 थे। भजनलाल की गिरफ्तारी से खुलेंगे राज, लेंगे भजनलाल, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा बेरोजगार की सरकार को चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी तो मनाएंगे काली दिवाली, और यूपी में प्रियंका गांधी की सभा में करेंगे विरोध। ये देख सकते हो, राजस्थान बेरोजगारी की गत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार से वार्ता के बावजूद इस प्रकार की ये बड़ी घटना है। जय हिंद।